जो लोग हमेशा से मगरमच्छ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं वो ये बात जरूर जानते होंगे कि इस जीव को डायनासोर्स के करीबी रिश्तेदार के रूप में देखा जाता है। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये जीव आज भी धरती पर अपना अस्तित्व बनाए हुए है। हम सभी जानते हैं कि डायनासोर्स की तरह ही मगरमच्छ भी एनिमल किंगडम के टॉप प्रीडेटर्स रहे हैं। जब कभी अपने शिकार पर निशाना साधते हैं तो इनकी बैटल ऑफ्स देखने लायक होती है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए क्रोकोडाइल की बेस्ट बैटल ऑफ को दिखाने की कोशिश की है। इस वीडियो में आप क्रोकोडाइल को एंटीलोप्स, बफेलोस, गेजल्स जैसे और भी कई जानवरों पर हमला करते हुए पाएंगे। तो बेस्ट क्लिप्स का मजा उठाने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रोकोडाइल वर्सेस वाइल्डबीस्ट। वीडियो की शुरुआत खतरनाक बैटल ऑफ से की गई है, जहां वाइल्डबीस्ट का झुंड पानी पीने के लिए तालाब के पास आते हैं। पानी पीते हुए ये जीव पाते हैं कि पास में ही मगरमच्छ का झुंड उन्हें अपना लंच बनाने का इंतजार कर रहा है। लेकिन क्लिप को देखकर लगता है कि वाइल्डबीस्ट को मगरमच्छ के वार का कोई खौफ नहीं है, और इस समय ये अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार भी है। इसी विचार के साथ वाइल्डबीस्ट का पूरा झुंड पानी पीने के लिए तालाब के किनारे पर आ जाता है। ऐसे में मगरमच्छ जो पहले से ही इस पल के इंतजार में बैठे हैं, वो तुरंत वाइल्डबीस्ट पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। इसे पानी पीने की इतनी बड़ी सजा मिलने वाली है ये तो इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस झुंड के कई सदस्यों को इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज तो मगरमच्छ के झुंड के लिए शाही भोजन का इंतजाम हो गया है। दरअसल मगरमच्छ के पास फुर्ती से हमला करने की स्पेशल हंटिंग स्किल्स होती है, जो वह अपने विक्टिम्स पर आजमाते हैं। क्रोकोडाइल अटैक्स लायन। शेर जंगल का राजा होता है, इसलिए ये जानवर जंगल में कहीं भी जाने या घूमने से पहले दो बार नहीं सोचते। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां शेरनी दूसरे किनारे पर जाने के लिए नदी का सहारा ले रही है, लेकिन ये जीव नहीं जानती कि नदी में एक मुसीबत पहले से उसका इंतजार कर रही है। इस बात का फायदा उठाकर मगरमच्छ पीछे से शेरनी को आड़े हाथ लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी जंगल की रानी है, जिसे पकड़ना या अपना भोजन बनाना बाएं हाथ का खेल नहीं है। मगरमच्छ दो बार शेरनी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये जीव काफी चालाक है। ये खुद को उसके चंगुल से निकालने में सफल हो जाती है और फुर्ती के साथ नदी भी पार कर लेती है। अफसोस, आज मगरमच्छ ने अपने दावत के लिए गलत शिकार को चुना है। शेर शेरनी के मुकाबले में मगरमच्छ थोड़े धीमे होते हैं। आप जमीन पर इनके हमलों को देखकर समझ सकते हैं कि शेरनियां कैसे इन जीवों को पंजा मारकर ही शांत कर देती हैं। शेरनियों के लिए इस जानवर को सबक सिखाना आसान होता है। वाइल्ड बीस्ट वर्सेस क्रोकोडाइल। वाइल्ड लाइफ में हमें हमेशा जानवरों के बीच चल रही क्रूर लड़ाइयां देखने को मिल सकती हैं, और सर्वाइवल के लिए इस तरह की लड़ाइयां होना भी आम बात है। अब इस क्लिप को ही ले लीजिए, जहां वाइल्डबीस्ट खुद को मगरमच्छ के मुंह से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका पैर मगरमच्छ के मुंह में है। जहां ये जीव खुद के सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रहा है, वहीं मगरमच्छ अपने लिए लजीजदार खाने की तलाश कर रहा है। देखा जाए तो ये दोनों जानवर खुद के सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें जीत मगरमच्छ की हो सकती है। इस क्लिप में मगरमच्छ अपने शिकार को छोड़ने के लिए राजी नहीं है, जबकि ये जीव खुद को बचाने के भरसक प्रयास में लगा है। पानी के अंदर इन दोनों जानवरों के बीच ये महासंग्राम दो घंटे तक चलता है, लेकिन दोनों में से कोई भी जानवर हार मानने को राजी नहीं है। आखिर में थक हार कर मगरमच्छ इस जीव को जाने देता है। लगता है कि ये शिकारी इस लड़ाई से बोर हो चुका है और अब किसी दूसरे शिकार को ढूंढना चाहता है। वाइल्डबीस्ट पानी से बाहर तो आ जाता है, लेकिन इसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो जाती है। तभी तो इसे चलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खैर, दाद देनी होगी वाइल्डबीस्ट की, जिसने मरते दम तक खुद को बचाने की आस नहीं छोड़ी। क्रोकोडाइल अटैक्स द एलिफेंट। हाथी जंगल की दुनिया के सबसे शांत जानवरों में से एक है, जो केवल दूसरे जीवों द्वारा हमला करने पर ही बौखलाते हैं। एक हाथी कभी भी दूसरे जानवरों पर बिना किसी वजह के हमला नहीं करता। एलिफेंट को आप डिफेंसिव प्लेयर के रूप में भी देख सकते हैं। इसके विपरीत मगरमच्छ एक अटैकिंग प्रीडेटर है, जो खुद को बचाने से ज्यादा शिकार करने के लिए दूसरे जानवरों पर हमला करने का रवैया रखते हैं। ऐसे में जब हाथी और मगरमच्छ आमने सामने आते हैं तो लड़ाई आर पार की होती है। हमारी अगली क्लिप अफ्रीका के नेशनल पार्क में फिल्माई गई है, जहां जमीन के सबसे बड़े जानवर पानी के शिकारी से भिड़ जाते हैं। इस वीडियो में हमले की शुरुआत मगरमच्छ से होती है, जो पानी पी रहे हाथियों के झुंड पर बिना बात के बरस पड़ता है। मगरमच्छ बड़े एलिफेंट पर हमला करने की बजाय बेबी एलिफेंट की सूंड को अपने मुँह में दबा लेता है और इसे अपना भोजन बनाने की तैयारी में जुट जाता है। बच्चे का दर्द भला मदर एलिफेंट कैसे बर्दाश्त कर सकती है। पीछे से दहाड़ते हुए मदर एलिफेंट आगे आती है और मगरमच्छ को दूर भगा देती है। शुक्र है इस बेबी एलिफेंट की किस्मत अच्छी है, जो उसकी माँ उसके साथ है, वरना अक्सर इस तरह की लड़ाई में बेबी एलिफेंट आसानी से मगरमच्छ का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि सूंड को मगरमच्छ के मुंह से निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। बैटल ऑफ क्रोकोडाइल एंड गेजल। गेजल जंगल की दुनिया के वो जानवर हैं, जिन पर शेर से लेकर मगरमच्छ तक हर कोई अपना जोर आजमाने की कोशिश करता है।
जानवरों को हर समय हर दिन खुद को बचाने के लिए जंग लड़नी होती है। जंगल में रहने पर शेर इनकी जान के प्यासे होते हैं और तालाब के पास मगरमच्छ इन्हें खाने को दौड़ते हैं। इस क्लिप में भी मगरमच्छ पानी पीने आए इन शिकारियों को अपने लंच का हिस्सा बनाने की चाल चलने में लगा हुआ है। गैजल का झुंड जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब के करीब आते हैं, मगरमच्छ उनका शिकार करने के लिए तैयार बैठा होता है। देखिए किस तरह ये हिरन के झुंड पर हमला करता है और एक गैजल इनकी चंगुल में फंस भी जाता है। अब हिरन के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि पानी के अंदर इलाका मगरमच्छ का है और वहां से कोई चमत्कार ही इसकी जान की रक्षा कर सकता है। द क्रोकोडाइल ड्रैग द बफेलो। मगरमच्छ और भैंस के बीच का बैर काफी लंबा है। जाहिर सी बात है कि एक विशाल जानवर को कौन अपना शिकार नहीं बनाना चाहेगा, खासतौर पर अगर यह मगरमच्छ हो तो भैंस इसके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम के रिक्वायरमेंट की पूरी कर सकता है। यही एक वजह है कि मगरमच्छ अक्सर भैंस को शिकार बनाने की फिराक में रहते हैं। अब इस वीडियो को ही ले लीजिए। पानी पीने के लिए तालाब के किनारे पर आए इस झुंड को नहीं पता कि पानी के अंदर मगरमच्छ इनकी जान का प्यासा है। देखिए कितनी फुर्ती के साथ मगरमच्छ भैंस के मुंह पर झपटता है और उसे अपने दांतों में फंसा लेता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मगरमच्छ की पकड़ काफी कसीली होती है, जिससे बचना तो नामुमकिन है, और ऐसा ही कुछ हमें इस लड़ाई में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अचानक ही मगरमच्छ अपने शिकारी को छोड़ देता है और इस पल का पूरा फायदा उठाते हुए भैंस भागने की कोशिश करता है। लेकिन मगरमच्छ भैंस के पैर को अपने मुंह में फंसा लेता है और फिर ये लड़ाई लंबे समय तक जारी रहती है। एक बात तो साफ है कि मगरमच्छ उन जानवरों में से नहीं है जो अपने शिकार को जाने दे। हंटिंग क्रोकोडाइल वाइल्ड बीस्ट। कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब पानी का बहाव तेज होने की वजह से नदी पार करने वाले जानवर इस बहाव में बह जाते हैं। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जहां यह वाइल्ड बीस्ट पानी के बहाव के साथ बह गया है, लेकिन यह नहीं जानता कि यह घटना इसकी जान लेकर ही दम लेगी। खुद को बचाने के लिए वाइल्ड बीस्ट एक बड़े पत्थर का सहारा लेता है और खुद को बचने और बचाने में सफल हो जाता है। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी तो एक मगरमच्छ जैसी बड़ी चुनौती का सामना करना है। दरअसल एक साइड से मगरमच्छ इस जानवर पर हमला करता है। क्लिप को आगे देखकर ऐसा लगता है कि ये शिकारी पूरे जानवर को ऐसे ही निगल जाएगा। दूसरी बाइट में मगरमच्छ इस जीव को मुंह में लेने की कोशिश करता है, लेकिन हमले से चौकन्ना होकर वाइल्ड बीस्ट रफ्तार के साथ वहां से भाग निकलता है। मगरमच्छ उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे जरूर जाता है, लेकिन आज वाइल्ड बीस्ट की किस्मत अच्छी है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। क्रोकोडाइल वर्सेस एक्सकेवेटर। एनिमल किंगडम के जानवर ह्यूमन मशीनरी को नहीं समझते, इसलिए वक्त आने पर मशीन पर भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इस वीडियो को ही ले लीजिए जहां क्रोकोडाइल एक जेसीबी से भिड़ने लगा है, जबकि ये मशीन केवल अपने काम में व्यस्त है। जेसीबी में बैठा ड्राइवर क्रोकोडाइल को उस कीचड़ से बाहर खदेड़ना चाहता है ताकि उसके काम में कोई दिक्कत ना आए, लेकिन लगता है कि ये जानवर किसी और ही मूड में है। खैर बढ़ते हैं इस लिस्ट के आखिरी बैटल ऑफ की ओर, क्रोकोडाइल कॉट ज़ेब्रा। ये बैटल ऑफ ज़ेब्रा और मगरमच्छ के बीच का घमासान है जहाँ मगरमच्छ ज़ेब्रा पर पीछे से हमला करता है और उसके पैर को अपने जबड़े में फंसा लेता है। बैटल ऑफ में ये काफी ट्रिकी सिचुएशन होती है क्योंकि ऐसे में जानवर खुद को बचाने के लिए केवल भागने की कोशिश करते हैं। जब कोई शिकारी आपके शरीर के पिछले हिस्से पर वार करे तो आप खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते। शुक्र है कि इस लड़ाई में अचानक हिप्पोपोटामस ज़ेब्रा की मदद के लिए घुसपैठ करते हैं और उसे क्रोकोडाइल की पकड़ से छुड़ा लेते हैं, लेकिन ऐसे में ज़ेब्रा की टांग बुरी तरह डैमेज हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कुछ खास बैटल ऑफ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे खतरनाक बैटल ऑफ कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।